वोट डालकर आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? प्राउड महसूस कर रही हूँ, अपने देश की नागरिक हूँ और ये मेरा देश का नागरिक होने का मेरा कर्तव्य है कि मैं वोटिंग करूँ। और मैं हर बंदे से, हर एक 18 साल से ऊपर के हर बंदे से अपील करूँगी कि हर किसी को अपना राष्ट्रहित में ये वोटिंग करना बहुत जरूरी है, करना चाहिए। व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई, सब कोऑपरेटिव थे, सारा स्टाफ कोऑपरेटिव था, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। आपकी जो संस्था है उनके जितने मेंबर्स हैं, क्या वो आज वोट डालने पहुंचे, कोई रिपोर्ट है आपके पास ऐसी? नहीं, रिपोर्ट ऐसी कुछ नहीं है, पर हाँ सब लोग वोट डाल रहे होंगे ये मेरा विश्वास है। सब देश के अच्छे नागरिक हैं, अच्छे इंसान हैं, इसलिए वोटिंग करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार किन किन मुद्दों पे वोटिंग, ये क्या सोच के वोटिंग की आपने? मैंने तो मेन जो है राष्ट्रहित में, अपने देश के हित में वोटिंग की है। और उसके साथ साथ जैसे देश मेरा रहेगा तो उसके बाद मेरा स्टेट, मेरा मोहल्ला, मेरा गली सब कुछ रहेगा, पहले देश तो रहना चाहिए ना। वहीं हैफेड के चेयरमैन सुभाष कत्याल ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बूथ नंबर 75 पर मतदान किया। चेयरमैन सुभाष कत्याल ने कहा कि लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर की जीत पक्की है। अरे बूथों पर मैंने पता किया है और इस बूथ पे भी बहुत भारी संख्या में वोट पड़ रहे हैं कृष्णपाल जी के लिए। लोग मोदी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री दोबारा से, इसलिए कोई शुक्रवार नहीं है। देहात से भी पता किया है, मैं शहर में भी हूँ, मैं इस बूथ पे भी हूँ, तो हर वक्त हर तरफ से यही एक ही खबर आ रही है कि मोदी सरकार फिर से आ रही है और कृष्णपाल जी यहाँ से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुत भारी अंतर से, 5 लाख के भी वोटों से ज्यादा से अंतर से। तो आप क्या मानकर चल रहे हैं कि वोट जो है मोदी को पड़ रहा है कृष्णपाल गुर्जर की बजाय मोदी को ज्यादा पड़ रहा है? लोग मोदी, सारे हिंदुस्तान में ये है कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को बना रहे हैं, मोदी जी को। ये कब, कितने परसेंट मतदान तक हो जाएगा आपके अनुसार? मेरे ख्याल में 70% से ऊपर होगा मतदान। किससे मुकाबला आपके कैंडिडेट का? मुकाबला कहीं वो आधे से कम में है सारे कैंडिडेट, कहीं दो तिहाई, एक तिहाई से कम में है, तो मुकाबला किससे क्या बताऊंगा।